कोंडागांव जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम केसकाल विकासखंड, जिसके अंतर्गत बोर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। ऐसे यहां भ्रष्टाचारी नज़र आ रही है, जिसके लेकर हम PWD ऑफिस कार्यालय गए और मैंने इसे सूचना का अधिकार लगाकर इसकी जानकारी ली, तो सब चीज़ वहां पर दर्शाता है। यहां AC लगने का है, सीलिंग फैन लगने का है, सीढ़ी में जाली लगने का है, लेकिन यहां पर अब तक क्यों नहीं लग पाया है, ये तो समझ से परे है। पानी अभी कहां से ला रहे हैं आप? पानी तो ऐसी पाइपलाइन से लाते हैं, वो जो वाला पाइपलाइन जो चलता है उससे लाते हैं, तो उसमें भी समय पे पानी नहीं आता, फील्ड जाने के लिए परेशानी हो जाता है। 11-12 बजे पानी आएगा तो फील्ड कहाँ से जाने का होगा, ये सब चीज़ समस्या है। डिलीवरी आता है उसके लिए पानी नहीं होता। हाँ, हैंडपम्प नहीं आजू बाजू? नहीं, हैंडपम्प पूरा खराब है। तो आपने इसके बारे में कभी शिकायत किया था? हाँ, एक बार नगर पंचायत में भी शिकायत की और अपने ऑफिस में भी शिकायत कर, पर इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। जैसे कभी कोई पेशेंट आता है या डिलीवरी पेड वाले कोई महिला आते हैं, वो लोग किस ढंग से उपयोग करते होंगे पानी? उसका पानी हम लोग जैसे भरे रहते हैं उसका उपयोग उन्हीं लोग कर लेते हैं, बाहर से भी, या तो बाहर से कोई 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऐसे जा जाके अपने घर से ला के यूज करते हैं यहाँ ऐसे पानी। डिलीवरी के समय पर ट्रेलिंग नहीं लगा है सर, उसमें मेरे यहाँ बच्चे लोग गिर गए हैं 2-3 बार और मैं भी एक दिन गिरते गिरते बच गई थी, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ा परेशानी होने हो रहा है बहुत। तो इसके बारे में कभी शिकायत किए थे? हाँ, उसके कारण किए थे सर, पर तो पता नहीं अब उन लोग आगे अधिकारी लोग जानेंगे सर, हमको उतना पता नहीं है। शासकीय भवन में तो पंखा सभी चीज़ लगने का था सर, पर अभी तक लगा नहीं है कोई भी चीज़। ऊपर बस लगा है 2-2 पंखा, नीचे में बिल्कुल पंखा नहीं है, ना कुछ नहीं है। वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोंडागांव कलेक्टर समीर विश्नोई जी से फ़ोन पर संपर्क कर इस मुद्दे को सुलझाने में सहयोग करें। समीर विश्नोई जी का नंबर है 077-86-24-20-01। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।